माई चैनल। अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हेलो, आई एम मोमिता एंड वेलकम टू माई चैनल। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आता है और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्क्रबर जिसको मैंने ख़रीदा था करीबन 1 मंथ पहले, और इसको मैं करीबन 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ एक फीडबैक शेयर कर पाऊँ। और ये जो प्रोडक्ट है, आई गेस आप में से बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो या फिर यूज़ करते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है। तो चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये है लोटस हर्बल की एप्री स्क्रब, और ये एक बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है। आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता है। पहले मैं बात करूंगी इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो ये ऐसे एक ट्यूब फॉर्म में आता है, और जो कैप है वो भी टाइट है, और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। ये आपको 3 साइज में अवेलेबल होगा। ये जो साइज है वो है मीडियम साइज, इसके छोटा वाला एक साइज है और एक बड़ा वाला साइज है। इसकी जो छोटा वाला साइज है वो उसकी जो प्राइस है वो है 165 रुपीज़। ये जो है ये है मीडियम साइज, इसकी प्राइस है 295 रुपीज़। और इसके इससे भी एक बड़ा वाला पैक आता है, उसकी जो प्राइस है वो है 445 रुपीज़। ये जो स्क्रबर है उसको अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो तो प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है और इसकी जो प्राइस मुझे पड़ा है वो है 265 रुपीज़। तो आप मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इसकी इंग्रेडिएंट्स। इसमें पैराबिन्स है, और अगर आपको नहीं ख़रीदना है पैराबिन्स वाला प्रोडक्ट क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है तो यू डोंट बाय दिस। बट ये स्क्रबर मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि इसका रिजल्ट अमेजिंग था। ये जो स्क्रबर है वो एप्रिकॉट से बना हुआ है, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए ही है। अगर आपकी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, ऑयली है या फिर ड्राई है, सबके लिए ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस स्क्रब को ख़रीदने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप इसको हफ्ते में एक बार या फिर 2 बार ही यूज़ कीजिए। इससे ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिए। सिर्फ ये स्क्रब के लिए ही नहीं, आप अगर कोई भी और स्क्रब यूज़ करते हो इसके लिए भी मैं ये बोल रही हूँ कि आप हफ्ते में 1 या फिर 2 दिन के लिए इसे यूज़ कीजिए, क्योंकि ज़्यादा स्क्रब करने से हमारी स्किन डैमेज हो सकता है। अब मैं बात करूँगी कि ये दिखने में कैसा लगता है। तो पहले मैं थोड़ा सा ले रही हूँ मेरे हाथ में। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही थिक है, आप देख सकते हो ये बहुत ही थिक है। और इसकी जो ग्रैन्यूल्स है वो बहुत ही छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही इरिटेटिंग एक फ्रेग्रेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही पसंद है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए कोई भी फेस वॉश से, और ये जो स्टेप है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो इसको मैं अभी रिपीट नहीं करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। पहले ये जो स्क्रबर है उसको आप अपने फेस पे ऐसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे लगा लीजिए पहले अपने पूरी फेस पे, और उसके बाद थोड़ा सा पानी लीजिए और उससे अपने फेस को अच्छे से आप स्क्रब कीजिए। कैसे स्क्रब करना है कि पहले आप अपने 4 फिंगर्स को अपने चीक्स पे लीजिए और उसको क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कीजिए। थोड़ा सा पानी आप लेते हुए अपने फेस को अच्छे से आप स्क्रब कीजिए, जैसे कि मैं वीडियो पे दिखा रही हूँ। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि बहुत जोर जोर से स्क्रब नहीं करना है। ये जो स्क्रब है वो हम आपकी जो ब्लैक हेड्स है और वाइट हेड्स है उसको रिमूव करने के लिए भी हेल्पफुल है। बट हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड की प्रॉब्लम है और अगर आप उसको हफ्ते में क्लीन नहीं करते हो तो ये स्क्रबर उसको क्लीन नहीं कर पाएगा। अगर आपको थोड़ा सा ब्लैक हेड्स हुआ है और अगर आप हफ्ते में हफ्ते में 2 दिन इस स्क्रब को यूज़ करते हो तो ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप देख सकते हो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ले रही हूँ और उससे मेरी जो
फेस है उस पर बहुत ही हल्के हाथों से ऐसे स्क्रब कर रही हूँ। एक बार मैं और भी बता देती हूँ कि बहुत ज़ोर से स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। आप आपके नेक पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक पे भी ऐसे राइट साइड पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे और लेफ्ट साइड पे भी आप ऐसे कीजिए, और आईज के नीचे भी आप ऐसे कीजिए। इस स्क्रब को आप अपने स्किन पे 1 to 2 minutes के लिए ही मसाज कीजिए, इससे ज़्यादा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मेरी जो फेस है मैं उसको 1 to 2 minutes के लिए मसाज ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो अब मैं इसको क्लीन करती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने मेरी फेस को वॉश कर लिया है, अब मैं बताऊंगी कि मेरी फीडबैक क्या है, कैसा मुझे फील हुआ इसको यूज़ करने के बाद। तो जो फर्स्ट पॉइंट मुझे लगा है वो है कि ये हमारे स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है, एक स्मूथ सा सॉफ्ट सा फीलिंग मुझे हो रहा है। इवन मेरी हैंड्स भी सॉफ्ट फील हो रहा है, क्योंकि मैंने हाथ से ही इसको स्क्रब किया था मेरी फेस को। और ये जो स्क्रब है वो स्किन की जो डेड सेल्स है उसको बहुत ही अच्छा से निकाल देता है हमारे स्किन से। तो मैं इस स्क्रब को दूंगी एक थम्स अप, क्योंकि मुझे ये बहुत ही पसंद आया। जो एक इसका कर्स है वो है इसमें पैराबिन एडेड है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। बट ओवरऑल ये जो स्क्रब है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो, और अगर आप इसको यूज़ करते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगता है इसको यूज़ करने के बाद, आपकी व्यूज़ क्या है इस प्रोडक्ट को लेकर। और अगर मैं इसको एक रेटिंग दूँ 10 में से, तो मैं इसको देना चाहूँगी 7 points, क्योंकि इसकी मुझे एक ही कर्स लगा है जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये पैराबिन एडेड है। अगर ये नहीं होता तो मैं इसको शायद 9 or 9.5 ज़रूर देती, क्योंकि मुझे ये बहुत ही पसंद आया और 265 rupees पे। और ये जो एक प्रोडक्ट है उसको अगर आप एक बार खरीदते हो तो ये आराम से 7 to 8 months तक ज़रूर चल जाएगा, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है। तो अगर आप इसको खरीदने वाले हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो, और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। आप शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को मैं यहीं पे ही खत्म करती हूँ। तो एक और बात मुझे बोलना था कि शायद मैं इरेगुलर हो सकती हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि आज है संडे और इस हफ्ते में ही मेरा एग्जामिनेशन है, और इस वीडियो को मैं शायद कल मंडे या फिर आज ही मैं एडिट करके डाल दूँ। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, मेरी पेरेंट्स के साथ मैं जा रही हूँ, और सामने ही जा रही हूँ, बहुत दूर नहीं है। और आप गेस कीजिए कि मैं कहाँ पे जाने वाली हूँ। एक क्लू है कि ये कोई हिल स्टेशन नहीं है। तो आप और मैं सोच रही थी कि मैं उस जगह के एक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं लौटने के बाद ही उसको एडिट करके डाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं मेरी कंप्यूटर पे ही करती हूँ। तो आपको वेट करना पड़ेगा मेरी लौटने की। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या मैं व्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ, क्या आप देखना चाहते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो ही मैं बनाऊँगी व्लॉग। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।